हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको किड्स के लिए इस तरह की एक रफल्ड रोम्पर ड्रेस बनाना बताऊंगी, जो कि 11 इयर्स के लिए है। होप यू विल लाइक इट। इसके लिए मैंने ये 2 मीटर्स थिक कॉटन फैब्रिक लिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेजरमेंट डिटेल्स। मैं यहाँ इस पेपर पर पहले बॉडीज को कट करना बता रही हूँ। पहले 1/2 इंच पर एक लाइन लगा लेंगे। बॉडीज की लेंथ मैंने 15 इंचेस ली है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है स्टिचिंग मार्जिन के लिए, तो मैं यहाँ बॉडीज की लेंथ को 15.5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। लाइन लगा लेंगे। शोल्डर विड्थ ली है 6.5 इंचेस। शोल्डर ड्रॉप लिया है 0.75 इंच और यहां से नीचे 6.5 इंचेस पर आर्म होल डेप्थ को मार्क किया है। लाइन लगा लेंगे। चेस्ट के लिए चेस्ट के फुल राउंड मेजरमेंट्स में 2 इंचेस ऐड किए हैं लूजिंग के लिए और 4 से डिवाइड किया है और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है स्टिचिंग मार्जिन के लिए। वेस्ट के लिए वेस्ट के फुल राउंड मेजरमेंट्स में 2 इंचेस ऐड किए हैं लूजिंग के लिए और 4 से डिवाइड किया है और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है स्टिचिंग मार्जिन के लिए। नेक विड्थ ली है 3 इंचेस नेक विड्थ और नेक डेप्थ ली है फ्रंट के लिए 4 इंचेस और बैक के लिए 2 इंचेस। नेक डेप्थ फ्रंट के लिए 4 इंचेस और बैक के लिए 2 इंचेस। सभी पॉइंट्स को लाइन लगाकर मिला लेंगे और नेक और आर्म होल को शेप दे देंगे। अब मैं यहाँ शोल्डर का हाफ कर रही हूँ, इस तरह से शोल्डर को हाफ में डिवाइड कर रही हूँ और इस तरह से एक सीधी लाइन लगा लेंगे। अब दिखाए अनुसार 3 इंचेस पर एक पॉइंट लगाएंगे इस तरह से और लाइन लगा लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से थोड़ा राउंड शेप भी दे सकते हैं यहाँ पर मैं इसे सीधा ही रखूंगी। हाफ इंच पर शोल्डर को एक्स्ट्रा मार्क करते हुए पेपर पैटर्न को कट कर लेंगे। अब मैं इस पेपर पर शॉर्ट्स के लिए पैटर्न को कट करना बताऊंगी। दोनों तरफ 1/2 इंच पर लाइन लगा लेंगे इस तरह से। शॉर्ट्स की लेंथ मैं यहाँ 14 इंचेस लूंगी प्लस 1 इंच ऐड करूंगी हेमिंग के लिए, बॉटम हेमिंग के लिए, तो शॉर्ट्स की लेंथ मैं लूंगी 15 इंचेस।
यहाँ पर मैं वेस्ट मेजरमेंट्स को मार्क करूँगी। मैं यहाँ बॉडीज पर जो वेस्ट मेजरमेंट्स मार्क किए थे वही ले रही हूँ। अब एक इंच और ऐड करूँगी डार्ट के लिए, 1 inch फॉर डार्ट, और 1/2 inch और मार्क करूँगी स्टिचिंग मार्जिन के लिए, यानी वेस्ट में टोटल 1.5 inches और एक्स्ट्रा लिया है। अब क्रॉच लेंथ के लिए हिप के फुल राउंड मेजरमेंट का 1/3 लूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर हाई वेस्ट शर्ट्स बना रही हूँ, उसमें से 2 inches लेस कर दूँगी वेस्ट बैंड के लिए। ये क्रॉच लेंथ को कैसे मेजर करना है नीचे कैप्शन में अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हिप राउंड का 1/4 लूँगी, लाइन लगा लेंगे। अब क्रॉच एक्सटेंशन के लिए 1.5 inches पर मार्क लगा रही हूँ और 1 inch एक्स्ट्रा ले रही हूँ स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब इस हिप लाइन का 1/2 मेजर करना है और वेस्ट लाइन पर एक पॉइंट लगाना है, 1/2 मेजर करके वेस्ट लाइन पर एक पॉइंट लगाना है जहाँ पर डार्ट आएगी। डार्ट की लेंथ मैं 4 inches ले रही हूँ और डार्ट की विड्थ पॉइंट के दोनों तरफ 1/2 inch ली है। बॉटम की तरफ मैं थाई राउंड का 1/2 लूंगी, जो कि मेरा है 19 inches, टोटल 18 inches है। 9 inches मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ, 1 inch एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन के लिए लिया है। क्रॉच को शेप दे देनी है और पैटर्न को कट कर लेना है। ये मेरा फ्रंट पैटर्न पीस होगा। बैक पीस को कैसे कट करना है मैं आपको फैब्रिक पर बता दूंगी। बैक साइड पर मैं एक जिपर अटैच करने वाली हूं, तो इसके लिए 1 inch का क्रॉच लाइन पर फ्लैप को कैसे कट करना है बता रही हूँ। क्रॉच लाइन पर 5.5 inches नीचे की तरफ एक पॉइंट लगाएंगे इस तरह से, और 1 inch इसकी विड्थ रखेंगे और कट कर लेंगे। ये बैक पीस पर कट होगा। मैंने सारे पैटर्न पीसेस कट कर लिए हैं। ये 4 pieces साइड पैनल के हैं, जिन्हें मैंने 1/2 inch नीचे और साइड में मार्जिन देकर कट किया है। ये साइड पैनल्स 2 front के लिए हैं और 2 back के लिए हैं। और ये बॉडीज के सेंटर के पीसेस हैं। फ्रंट के लिए एक फोल्डेड पीस है, जिसे सिर्फ आर्म होल साइड पर 1/2 inch मार्जिन के साथ कट किया है। और बैक के 2 center pieces कट किए हैं, एक तरफ 1/2 inch स्टिचिंग मार्जिन है और दूसरी तरफ 1 inch का स्टिचिंग मार्जिन दिया है जिपर या बटन स्ट्रिप बनाने के लिए। ये
टू पीसेस हैं बैक के लिए, ये बीच में 1 इंच का स्पेस है, बटन होल स्ट्रिप या फिर जिपर के लिए एक्स्ट्रा स्पेस दिया है। इन पीसेस को इस तरह ज्वाइन किया जाएगा, चारों पीसेस को फ्रंट और बैक के लिए। और ये 4 पीसेस शॉर्ट्स के कट किए हैं, ये फ्रंट के 2 पीसेस हैं, ये ऊपर वाले फ्रंट साइड के 2 पीसेस हैं जो विदाउट फ्लैप कट किए हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे फ्रंट में जिपर नहीं अटैच करनी है, बैक में लगानी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये फ्लैप 1 इंच का ऐड नहीं किया है फ्रंट पीसेस के लिए। और ये 2 पीसेस बैक के लिए हैं, इन्हें क्रॉच से मैंने 1.5 इंच तक बढ़ा दिया है। क्रॉच एक्सटेंशन को 1.5 इंच तक बढ़ाया है और 1 इंच का एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन भी दिया है। और 1 इंच थाई से बढ़ा दिया है और क्रॉच को इस तरह से शेप दी है। डार्ट को नॉच कर देंगे। ये 2 पीसेस रफल के लिए कट किए हैं, जिनकी विड्थ 6 इंचेस ली है, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने 6 इंचेस विड्थ ली है और इनकी लेंथ बॉडीज की विड्थ का 3 टाइम्स लिया है और इनकी लेंथ को मैंने 3 गुना लिया है बॉडीज की लेंथ से, यानी कि 45 इंचेस इनकी लेंथ ली है। ये 2 पीसेस कट किए हैं पॉकेट बनाने के लिए, जो कि 12x8 इंचेस के हैं, 12x8 इंचेस के 2 पीसेस कट किए हैं पॉकेट बनाने के लिए। अब सबसे पहले 4 साइड्स पैनल को लें, इन्हें साइड और शोल्डर्स से स्टिच कर लें और डबल फोल्ड करके नीचे से भी हेम कर दें। ये मैंने साइड पैनल्स को स्टिच कर लिया है और आर्म होल्स को भी बायस स्ट्रिप से कंसील कर लिया है। अब रफल पीसेस को थ्रेड एंड नीडल की हेल्प से गैदर कर लेना है, इन्हें सीधी लाइन की तरफ से गैदर करना है। ये मैंने एक पीस को गैदर कर लिया है और रफल को दूसरी साइड की एज से डबल फोल्ड करके हेम कर लेना है, जो कर्वी साइड है रफल की उसे डबल फोल्ड करके हेम कर लेना है। अब इस तरह से शोल्डर से रफल को मैच करते हुए पिनअप करना है।
स्पिन अप करके इन पर स्टिच लगानी है और सेंटर पैनल्स को भी शोल्डर से स्टिच कर लेना है। मैंने सेंटर पीसेस को शोल्डर से स्टिच कर दिया है और साइड पीसेस से रफल्स को भी स्टिच कर दिया है। अब फिर से शोल्डर्स मैच करते हुए पिन अप करें और स्टिच लगाएं। बॉडी से रफल स्टिच हो गए हैं। इन साइड्स की रॉ एजेस को डबल फोल्ड करके स्टिच करें, हेम करें डबल फोल्ड करके इनको, और नेक लाइन को भी बायस स्ट्रिप से कंसील कर लें। और शॉर्ट्स पीसेस की डार्ट को स्टिच करें। और क्रॉच लाइन पर स्टिच लगाएं। फ्रंट और बैक दोनों की क्रॉच लाइन पर स्टिच लगाएं। क्रॉच लाइन पर स्टिच लगाने के बाद अपने फ्रंट पीस को ले और इसके ऊपर पॉकेट पीसेस को सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए थ्री एंड हाफ इंचेस पर इस तरह से मार्क लगाकर पिनअप करें। थ्री एंड हाफ इंच पर दोनों तरफ इस तरह से मार्क लगाना है और दोनों पॉइंट्स को कर्व में इस तरह से मिला लें। और इस कर्व लाइन पर स्टिच लगाएं। फिर इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें टर्न करके उल्टी तरफ पलट कर टॉप स्टिच लगाएं और दिखाए अनुसार फोल्ड करके नीचे से स्टिच लगाएं। फिर बैक पीस को रख कर साइड में स्टिच लगाएं और इनर लेग्स को स्टिच करें। ये मैंने पॉकेट्स स्टिच कर ली हैं और बॉटम रॉ एजेस को 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब इसे स्टिच कर लेना है। अब वेस्ट बैंड के लिए मैंने ये 3 इंचेस विड्थ वाली स्ट्रिप्स कट की हैं। 3 इंचेस विड्थ है इनकी, जिन्हें दोनों तरफ से हाफ हाफ इंच पर फोल्ड किया है। अब इन्हें इस तरह से स्ट्रिप शॉर्ट्स पर पिनअप कर लेना है। इस तरह से पिनअप करना है इनको और एक्स्ट्रा स्ट्रिप को कट कर देना है। फिर दूसरी तरफ से बॉडी पीस के साथ इस तरह से पिनअप करना है। दोनों तरफ से पिनअप करके वेस्ट बैंड पर स्टिच लगानी है।
मैंने यहाँ वेस्ट बैंड की एक स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब दूसरी स्ट्रिप को लें और इसको दिखाए अनुसार पिनअप करें। और दूसरी तरफ से हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए दिखाए अनुसार पिनअप करके स्टिच लगा लें। फिर बैक साइड पर जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था जिपर के लिए उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लें। और बस जिपर को दिखाए अनुसार पिनअप करके स्टिच कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ बटन और बटन होल्स भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ इस सादे तरीके से जिपर का यूज़ करूँगी। जिपर लग जाने के बाद मैं आपको इस ड्रेस का एक फिनिश्ड लुक दिखाऊँगी। कंप्लीट हो जाने के बाद ये ड्रेस कुछ ऐसी दिखेगी। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वर्क एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।